मधुबन कॉलोनी बदायूं में कथावाचक दिलीप आनंद प्रणामी ने रुक्मणी के विवाह की कथा का श्रवण कराते हुए भक्तों से कहा कि जो लोग मन भाव से रुक्मणी विवाह की कथा को सुनते हैं वो निश्चित रूप से ही उनका कल्याण होता है, मन शांत रहता है, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है, कल्याणकारी भाव पैदा होते हैं। उन्होंने बताया सर्वधर्म संभाव की भावना से राष्ट्र का निर्माण होता है और देश हित की भावना जागृत होती है। इसी प्रवचन को लेकर आज मधुबन कॉलोनी बदायूं में कथावाचक दिलीप आनंद प्रणामी ने श्रोता गणों को अपने भावों से ओतप्रोत करते हुए कहा कि नैतिकता का पालन और अपने कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ा मानव सेवा है। आचार्य जी अपने प्रवचनों से श्रोताओं को श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह की जानकारी दे रहे थे। मधुबन कॉलोनी में आप एक भगवत गीता का पाठ करने जा रहे हैं, तो ये आज की कथा किस रूप में आप आज की कथा है? जय श्री राधे। आज की जो भागवत कथा है, भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी विवाह है, बड़ा मंगलमय विवाह है और जो इस कथा को सुनता है उसके मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उनकी इच्छा पूरी होती है। इसलिए हमें जीवन में अपने शास्त्रों से भागवत कथा राम कथा को सुनना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण होए। और मैं माताओं को भाई बहनों को भी प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जब भी भगवान का कोई उत्सव होए तो उसमें सम्मिलित हो जाए, कहीं ना जा सके तो कथा में जाएंगे तो इच्छा पूरी होगी, हमारे बच्चे संस्कारी बनेंगे। श्रोतागण आते हैं अपने मनोभावों को लेकर के, क्या उनकी इच्छा को अनुरूप फल मिलता है कथा सुनने से? ये कलयुग में भागवत कथा एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको 7 दिन में आपकी इच्छा को पूरी करता, मनोवृत्ति एक ऐसी हो जाती है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं, भगवान के उत्तर प्रेम हो जाता है। ये कल्प वृक्ष भागवत, आपने जो अच्छा प्रश्न किया, भागवत कल्प वृक्ष है। दरिद्र को धन मिल जाता है, निसंतान वाल को संतान की प्राप्ति हो जाती है। निरोगी व्यक्ति कोई है ना, उसे निरोगी काया, जो रोगी है। आज रुक्मणी का विवाह है, क्या श्रोताओं को क्या उपदेश देना चाहते हैं? रुक्मणी विवाह में ये कहना चाहते हैं कि भगवान की जो कथा है, रुक्मणी विवाह में आप सम्मिलित हो रहे हैं, जो भी आप सेवा करते हैं, आज बहुत से लोग कन्यादान करते हैं तो कन्यादान महा कल्याण होता है, तो जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं कन्यादान करते हैं तो उनको भी लाभ मिलता है, और जो जो नहीं करते हैं श्रद्धा द्रव दक्षिणा देते तो भी उनको लाभ मिलता है। लेकिन आज की कथा से भगवान राधा कृष्ण रुक्मणी का विवाह में जो सुनेगा कथा उसकी आप कथावाचक हैं, कथावाचकों के लिए कुछ कहेंगे? कथावाचकों के लिए यही प्रेरणा है कि सब अलग अलग अपना देश राष्ट्र के लिए कुछ कहना चाहेंगे कथावाचक? सबके लिए की बात है कि हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है ज्यादा से ज्यादा अगर जुड़ा है तो कथावाचक, अगर कथा ना हो, सत्संग ना हो तो हमारा जो देश है ना फिर से उस पे आ जाएगा कि जैसे एक कई वर्ष पहले गुलामी के उस पे आ गया था, आज हम स्वतंत्र हैं इसलिए कि ठाकुर जी कथा को सुन सकते हैं। तो कथावाचकों से भी ये नियम है कि जहाँ ऐसी जगह हो कथाकार पैसों को ना देखे, कई लोग सोचते हैं कि वहाँ इतना पैसा लगता है जी होता है, तो ये सब ना देखे, हमें तो बस श्रद्धा मिले, भगवान की भक्ति हो, श्रद्धा से प्रेम से हो, इसलिए अगर हम जाएंगे तो लोगों के अंदर श्रद्धा आएगी, उनका विश्वास होगा, क्योंकि भगवान की भक्ति होती है। ठीक।